तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग भूख के मारे। हमें लग रही है बहुत ज्यादा भूख, खास कर इस बंदे को लग रही है। नहीं लग रही है? बहुत लग रही है। ये सुहेल भाई है, वैसे सारे भूखे बैठे हैं। ये देखो भूख के मारे तड़प रहे हैं, हाथ वाथ इधर उधर रख रहे हैं भाई साहब। तो जो है अब हम जा रहे हैं टीडी, आज हम कवर करते हैं टीडी और देखते हैं टीडी में क्या मिलता है। टेरी टेरी लंच तैयार है, एकदम पहाड़ी फूड है। टिहरी से हम 15-20 किलोमीटर पहले ढाबे पे रुके हैं और आपको मैं दिखाता हूँ आज का फूड। आती है एकदम जीरा राइस, राजमा दो बार आएंगे भी, और ये हमारी प्याज दही और मटर। आपको कुछ नज़ारे दिखाता हूँ, ये तो अभी फ़ोन में लगे हैं मगर इनको बहुत तेज भूख लगी है, तो जानबूझ के फ़ोन में लगे हैं अभी। और इधर देखो ज़रा, ये टूट पड़े हैं एकदम। और ये मंजूर भाई भी और ये तन्वीर भाई भी, दोनों सुहेल भाई खाओ यार। तैयारी चल रही है। दुआ पढ़ोगे? बिस्मिल्लाह भाई, हमें भी लगी है भूख, इसी बहाने पेट पूजा हो जाएगी और पूरे थाली हम खा लेंगे। खाना वाना हो गया है, खाना खा के हो गया है, थोड़े से मोटे हम एडजस्ट नहीं हो पा रहे एकदम, बिल्कुल देख रहे हो सब फंसी फंसी हो रही है गाड़ी। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं और थोड़ा सा टहलते हैं वहाँ पे, और टहलने के बाद फिर देखते हैं कितनी कमी आती है बॉडी के अंदर। तो चलिए आगे दिखाते हैं आपको नज़ारे। पहुंच चुका है अभी टिहरी लेक, और अभी हम डैम होके आए जहाँ पे विदाउट पास एंट्री नहीं है। तो ऐसी गलती ना करें कि बिना पास के आप टिहरी आए, चेक पोस्ट से ही आपको रिटर्न करा देंगे पुलिस वाले। आपको नज़ारा दिखाता हूँ ऊपर से, दिस इज झील लेक और वो सामने क्रूज जा रहा है। इफ यू सी गाइस, ये क्रूज है और ये देखिए जूम कर दिया मैंने, कितना छोटा सा लग रहा था भाई साहब। वो एक टीला देख रहे हैं आप, वो ये वाला टीला, इसके ऊपर घर बने हुए हैं। कोशिश करता हूँ कि जूम में दिख जाए, मैंने फुल जूम किया मगर इट्स लाइक बहुत ज़्यादा ब्लर हो गया है तो घर नहीं दिख रहे। कहने का मतलब ये दोस्तों कि जो पूरा जो शहर था वो इसके इसी क्षेत्र के नीचे है, पानी के नीचे इसके, और सारा उस कुछ बंद कर दिया है इन्होंने, मतलब यहाँ पे। और इसमें केवल पानी पानी है और यहाँ बोटिंग होती है। तो अभी आपको टिहरी का मैंने ऊपर से व्यू दिखाया है लेक का, अब मैं जा रहा हूँ नीचे की तरफ, मेरे दोस्त लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। नीचे चलते हैं, नीचे चल के बात होती है आपसे। सुस्त हो गए बेचारे 6 घंटे की जर्नी करके, कैसे करेंगे ये ट्रैवल, ये ट्रैवल कैसे करेंगे ये सब। नहीं थकते। अरे भाई साहब किसी लाइव कर रहे हैं, बिल्कुल लाइव मतलब एकदम झूठ बोल रहे हैं सफेद। देख तो खांसी दमा सभी कुछ हो गया इन्हें, और सारा क्रेडिट जाता है इस गाड़ी को। ज़्यादा चार्जेस ऑफ बोटिंग स्पीड मोटर जेट्री की हाय, अगर आपके पास भाई साहब थोड़ा दिल है पानी में जाने का तो यू कैन गो फॉर इट। अदरवाइज भाई लोगों 1500 रुपये का टिकट ले लिए, आप 5 बंद हो गए मोटर बोट के स्लोगे, और हमारे साथ जो है बता रहे बताना पड़ता है तो दर्शकों को अपने,
क्यों? ये देखिए सारी टीम तैयार हो गई। 300 रुपए पर पर्सन बताओ। 300 रुपए पर पर्सन मतलब 1500 रुपए पांच बंदों के हो गए, गुणा कर लेंगे लोग। क्यों भाई? सही बात। अच्छा हाँ, एक चीज पे हम लोग डिसाइड हुए, अग्री हुए मेरे दोस्त, कि अगर मेरा फोन गिरता है तो ये लोग मुझे 150-150 लाख रुपए देंगे मेरे को। इंश्योरेंस करवा लो पहले। ये इंश्योरेंस इनकी तरफ से हो गया है। सो एक इसी शर्त पे मैं जा रहा हूँ बोट पे, क्योंकि पांच बंदे मुझे पानी से बहुत डर लगता है, तो इसलिए जो है मैं इसी शर्त पे तैयार हुआ हूँ कि 150,000 रुपए मेरे को मिलेंगे अगर मैं फोन करता है तो। ये जो अरबों खरबों की जान है उसका क्या? उसका कुछ नहीं, दोबारा आ जाएगी। बहुत मिन्नतें करनी पड़ी, ठोड़ी में हाथ डालने पड़े इनके सबके, यहाँ पे और यहाँ पे डालने पड़े हाथ मुझे। तो भाई जो है बड़ी मुश्किलों में हम लोग तैयार हुए हैं, और नाव अब हम करते हैं स्लो बोटर बोट करेंगे हम, पानी में जाएंगे। बहुत गहरा पानी है भाई साहब, मुझे तो डर लग रहा है, ये पूरा हिल रहा है, पूरा हिल रहा है। ये देखिए अब ये जो है इस बोट पे सबको बिठा देंगे और ऊपर से आगे जाके गिरा देंगे पानी के अंदर। तो दिस इज कॉल्ड ओशियन राइडर, नॉट टू बी टोल्ड एट मोर देन 15 mph पायलट हो गया बैठने। सो हमारी जो है सवारी लोडिंग इज रेडी, तो अब हम चलते हैं अंदर की तरफ। ओ भाई साहब। हाँ जी दोस्तों, तो अब लग रहा है तुम्हारा भाई कुछ अच्छा, क्योंकि धूप में चलते हल्के टैनिंग हो गई है पूरा स्पेस। नाव हम लोग तैयार हो चुके हैं, मेरे दोस्त लोग और दो पीछे पैसेंजर, और ये वासिक भाई हैं, और ये है तनवीर भाई। तनवीर भाई और वासिक भाई की जोड़ी हिट है, हिट है, हिट है। दीज टू गाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। इन्होंने पूरा मजा बांध रखा है पूरी शिप, पूरी ट्रिप के अंदर बेहतरीन वाला। हाँ, अब इनको साथ साथ बिठाया जाएगा जहाँ भी जाएंगे, इनकी सजा यही है। ये हो गया भाई, उसका चेहरा जाएगा लड़की का जिस हिसाब से चला बच्चों। तो हमारी बोट भाई साहब स्टार्ट हो गई है जर्नी। फोन मंगा के 1.5 लाख करेंगे। ये है पैरासीलिंग गाइस, सो इसका 2500 रुपये का चार्ज है पर पर्सन। पीछे रस्सी बांध के उड़ जाते हैं इसके अंदर भाई साहब। ये भाई साहब ड्राइवर हैं जो उड़ाते हैं, और एक ड्राइवर साहब ये है जो बच्चों को घुमा रहे हैं बोट के अंदर। ये देखिए एकदम बेहतरीन राइडिंग हो रही है। 300 में 300 सामने सूरज मामा जो है वो अस्त होने को है, मतलब ढूंढने को है। सो गाइस इससे बेहतर नज़ारा आपको उत्तराखंड में कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये के अंदर। 300 रुपये में आप स्लो बोट मोटर करिए और आधे घंटे की सवारी करिए, और सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये में, और ये बड़ा खूबसूरत नज़ारा, बड़े ही खूबसूरत लोग सेल्फी लेते हुए। भाई साहब अब हम जा रहे हैं बड़ी खूबसूरत जगह पे, जिसे कहते हैं डोगरा का सस्पेंशन ब्रिज, और काफ़ी अलग है, मतलब टिहरी डैम से, टिहरी झील से भी काफ़ी अलग है। 13-14 किलोमीटर का फासला है, तो टाइमली यहाँ पर आए। और सुना है मैंने कि शाम होते ही बड़ा खूबसूरत नज़ारा वहाँ पे हो जाता है, क्योंकि लाइटनिंग हो जाती है सारी ब्रिज के ऊपर। तो देखते हैं चलते हैं वहाँ पे क्या नज़ारा मिलता है। ये पतली सी सकेरी ऐसी रोड है। सो गाइस जब यहाँ पर आएँ तो इस ब्रिज पे ज़रूर आएँ। दिस इज़ वेरी ऑसम और वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, बहुत ही एकदम, कितना बड़ा बताऊँ, बहुत ज़्यादा बड़ा है यार ये ब्रिज। तो गाइस यू शुड कम हेयर, जब भी आप टिहरी गढ़वाल आएँ तो ज़रूर आएँ यहाँ पे।
सस्पेंशन, इसको सस्पेंशन ब्रिज इसको बोलते हैं। ओ भाई मजा आ गया यहाँ पे आके। अभी लाइटनिंग होएगी ना तो और भी प्यारा लगेगा। ये जो होटल्स दिख रहे हैं ना आपको, ये जो रूम दिख रहे हैं, ये हट मतलब होटल है पूरा, ये पानी के ऊपर ही है होटल पूरा। कितना मजा आता होगा भाई रात में यहाँ पे, और नज़ारे इसके देखिए, ओ भाई साहब कितना प्यारे नज़ारे हैं। मैं इसी चीज़ के लिए वेट कर रहा था क्योंकि इवनिंग हो गई है और यहाँ पे लाइटनिंग शुरू हो गई है, तो आप मेरे पीछे देख ही रहे हो और फोटो में पता नहीं, वीडियो में पता नहीं कैसा लग रहा है, बट यहाँ रियल आके फील बहुत अलग होता है। बड़ा मज़ा आ रहा है, शांत वातावरण है, ठंडी हवाएं चल रही हैं और हालांकि गर्मी है मगर ठंडी हवाएं चल रही है और ऐसे लाइटिंग चेंज हो रही है, इसीलिए पब्लिक यहाँ पे ज़्यादातर आती भी है शाम के लिए। तो शाम में ही फिर मैं अपना ब्लॉग को यहीं समाप्त करता हूँ। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं अपने दोस्तों को भी सभी आपको मिलवा देता हूँ, ये हमारे तनवीर भाई हैं, लास्ट में मैं आपको मिलवा रहा हूँ। ये तनवीर भाई हमारे, इनका ट्रैवलर तनवीर करके नाम से चैनल है, हालाँकि इन्होंने बताने छोड़ दिए वीडियो शादी के बाद, मगर कीड़ा भी है अंदर। और ये हमारे मंसूर भाई हैं जो वीडियो बनाना चाहते हैं मगर बना नहीं पाते, इनका कीड़ा आता है बाहर मगर निकल नहीं पाता, मगर अच्छी बात है, कोशिश करेंगे तरीके से। और हमारे वासिक अली भाई कुछ भूख उसमें दिखाओ यार, रोशनी में दिखाओ। हाँ आइए हैं वासिक अली भाई फ्रॉम पुरानी दिल्ली, बहुत मस्त आदमी है, बहुत जेन्युइन आदमी है, ठीक है। तो इनका भी एक चैनल बनेगा जल्दी, इनके मैं कीड़ा लगा रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है भाई। तो फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात करता हूँ आपसे। हाँ सुहेल भाई तो रह गए हमारे, और ये हैं हमारे सुहेल भाई, ये हमारे सुहेल भाई, ये है सारी ट्रिप के मतलब करता धरता, इन्होंने ही करवाई है भाई ट्रिप, नहीं तो नहीं हो पाती, इतनी गर्मी थी नीचे। मेहनत है सभी ने बहुत, तो तुम यहाँ आके कैसा लगा ये बताओ, फाइनल आगे आखिरी टच में बहुत ही जिसे कहते हैं बयां नहीं कर सकता। अच्छा जी, तो दोबारा आओगे इंशाल्लाह, जिंदगी रही। चलिए ठीक है, चले फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।